वेलकम टू डेट्स गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक जो कि गणित विषय की है, इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस यहां पर हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। गाइस यहां पर वार्षिक परीक्षा में अधिभार आप देख सकते हो, आपसे एक अंक के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपसे 2 और 3 अंक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करना है, 2 और 2 अंक के जो कि पूछे जाएंगे, और यहाँ से गाइस आपको बड़ा क्वेश्चन तैयार करना 4 अंक का। तो इस तरीके से 6 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले। गाइस ये वीडियो से आप इसे पूरा देख रहे हो तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर आप 6 में से 6 अंक पूरे ला सकते हो। यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले, साथ ही साथ इसके जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो भी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो निम्नलिखित में से 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो गाइस जो रेखीय समीकरण होता है इसमें जो चर होते हैं इसकी अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 1। तो गाइस यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2। हमें ये जो समीकरण दिया गया गाइस इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा गाइस, एक अद्वितीय हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस कंडीशन में जो कंडीशन पहली होती है a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, इसमें होता है अद्वितीय हल होता है। फिर गाइस ये दूसरी कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ पर इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है। और जो तीसरी कंडीशन होती है गाइस यहाँ पर होते हैं अनंत अनेक हल। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। गाइस आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अनंत अनेक हल होने के लिए इसकी जो कंडीशन होती है समीकरण की क्या होती है, तो आपको दोनों तरीके से इसे याद रखना होगा। गाइस समय की का अभाव होने के कारण यहाँ पर हम इसे जल्दी जल्दी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं गाइस, तो आप इसे इस तरीके से जल्दी से समझ लेना। और गाइस देखिए आप यहाँ से इसको उल्टा कर दिया गया। तो गाइस एक अद्वितीय होने की शर्त क्या होती है, तो ये होती है गाइस अद्वितीय होने के हल होने की शर्त। फिर गाइस कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है गाइस, यह जो शर्त होती है गाइस यह शर्त होती है कोई भी हल नहीं होने के लिए। और अगला क्वेश्चन से गाइस आप जो अगला क्वेश्चन से इसे ध्यान से देखिए। तो गाइस जो 7वां वाला क्वेश्चन से आपको इसे ध्यान से देखना है। 7वां क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर रैखिक समीकरण में दिया गया है इसके अनंत अनेक होने के लिए क्या शर्त होती है गाइस, तो इसके इसका जो आंसर हो जाएगा 7वें वाले का वो होगा इसका सी वाला आंसर, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन से आप इसे ध्यान से देखिए। तो गाइस यहाँ पर अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए गाइस रिक्त स्थान में हमें दिया है 2x + 3y = 5 में, यदि x बराबर कितना हो 1, तो y का मान कितना होगा गाइस, x पे हम कितना रखते हैं 1, तो यहाँ पर हमने 1 रखा था, 2 एकम 2, 2 का जब इधर पक्षांतर होगा गाइस तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 3y = कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा गाइस, y का मान भी हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1। दूसरा क्वेश्चन से गाइस वह समीकरण जिसको ax + by + c के रूप में रखा जा सकता है जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्यक नहीं है, 2 चरों x और y में एक खाली स्थान समीकरण बनता है, तो क्या बनता है गाइस, ऐसे कंडीशन में बनता है रैखिक समीकरण बनता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रैखिक। अगला क्वेश्चन से गाइस समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 और y = 1 हो तो k का मान कितना होगा, तो गाइस यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, एक्स बराबर कितना रखना है हमें 2 और y = 1, तो गाइस यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 4 और 1 कितना होगा 5, तो इसका आंसर कितना जाएगा गाइस, यह जाएगा 5। तो आप इस तरीके से गाइस इसे समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन गाइस तो आप इसे समझ के ईजिली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन से गाइस आप इसे ध्यान से देखिए, हमें बताना सत्य से 2 चरों में 1 रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं गाइस, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, हमने जैसा कि पहले भी देखा है। फिर गाइस अगला रैखिक समीकरण प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है क्या, तो ये भी गाइस एकदम सत्य होता है, रैखिक समीकरण जो हम बनाते हैं तो इसमें जो भी बिंदु वाइज जहाँ पर जो रेखाएँ मिलती हैं वही उसका हल होता है, तो यही हमसे पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक बाकी में उत्तर देना है, तो गाइस यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये होता है ax + by + c = 0, ये इसका मानक रूप होता है। अगला क्वेश्चन दिया गाइस हमें y = mx + 3 में, यदि हमें रखना गाइस x के प्लेस में -2 y के प्लेस पर रखना है 5, तो m का मान क्या होगा, तो गाइस आप रख के देख लीजिए, हमें क्या करना है गाइस, y के प्लेस पर रखना है 5, तो हमने रखा 5,
और यहाँ पर एम गुणा कितना रखना है हमें, एक्स के प्लेस पर रखना -2 + 3। तो गाइस हम इसके साथ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 में से 3 गई, कितना बचा गाइस, 2 = -2 m। तो गाइस जब हम इससे काट देंगे और माइनस के इधर पक्षांतर कर देंगे तो कुल मिला के हमारे पास कितना बचेगा, -1। तो आपको यहाँ पर लिखना है -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये हमारे जो क्वेश्चन थे एक एक नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो बड़े क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है रेखीय जो समीकरण युग्म है गाइस इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो गाइस एग्जाम्स में स्पेशल कोई विधि नहीं पूछी जाती, बट आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस इसका हम कम्प्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए गाइस, जो पहला दिया गया था समीकरण हमने इसे ले लिया 1 और दूसरे वाले को ले लिया हमने समीकरण नंबर 2। इस तरीके से गाइस हम इसे ले सकते हैं। अब हम गाइस इसे एकदम सिंपल मेथड में सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइस ये जो समीकरण नंबर 1 है हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो गाइस हमने करा x = 6 - 3y, इसको हमने दे दिया गाइस समीकरण नंबर 3। ऐसा लिख सकते हैं गाइस हम, क्योंकि यहाँ पर गाइस प्रतिस्थापन विधि में हमें एक्स या वाई की वैल्यू समीकरण 1 या 2 से निकाल कर समीकरण 1 या 2 में रखना होता है। जिस समीकरण से हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं दूसरे समीकरण में उसे रख देते हैं। तो गाइस ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें एक्स की वैल्यूज रख देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे गाइस, एक्स का मान रखने पर, तो हम लिख देंगे एक्स का मान रखने पर। तो गाइस यहाँ पर हम एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 और कोष्टक के अंदर हम लिख देंगे 6 - 3y, -3y बराबर हमारे पास कितना गाइस, ये है 12। तो गाइस कितना हो जाएगा, 6 × 12 माइनस कितना होगा गाइस, 3 × 6y -3y = 12। अब गाइस यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की हैं तो आपस में ये क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास कितना, 9y = 12। तो गाइस हम क्या करते हैं इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो हमारे पास -9y बराबर कितना होगा गाइस, 12 - 12, तो 12 से 12 कट जाएगा। तो हमारे पास -9y बराबर कितना बचा गाइस, 0 बचा यहाँ पर। तो गाइस 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। तो गाइस y का मान 0 आ गया, हम इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। तो गाइस हमने लिखा समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर, ये था गाइस हमारा समीकरण नंबर 1। इसे हम y के प्लेस पे 0 रख देते हैं। तो 1 से 3 × 0 y के प्लेस पे 0 रखा बराबर 6। तो गाइस x बराबर कितना जाएगा, कुल मिला के हमारे पास 6 आ जाएगा। तो गाइस x का मान है 6 और y का मान हमारे पास आ जाएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर दिया है गाइस हमें समीकरण युग्म x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20, इसको हमें क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो उसी तरीके से गाइस हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे ले सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसे ले सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो गाइस हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं समीकरण 1 से और दूसरे समीकरण में हम रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने इसे ले लिया समीकरण नंबर 1 ले लिया और इसे 2 ले लिया। अब क्या करते हैं गाइस यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 से गाइस हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं हम 2y, हमने इसका पक्षांतर कर लिया इधर। तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया गाइस, 2y। हम क्या करते हैं गाइस समीकरण नंबर 2 में एक्स का मान रखने पर, गाइस यहाँ पर हम समीकरण 2 में एक्स का मान रख देते हैं। तो हमने रखा गाइस 3 × यहाँ पर हमने करा 2y + 4y बराबर कितना होगा गाइस, हमारे पास होगा 20। तो 3 × 6y + 4y = 20। तो गाइस 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10y = 20। अब क्या करेंगे गाइस हम यहाँ पर, हम कर देते गाइस y = 20/10, 0 से 0 कट गया गाइस, तो हमारे पास बच्चा y का मान कितना आया, 2। तो गाइस हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 में, समीकरण नंबर 1 में y = 2 रखने पर, तो y का मान रख देते गाइस समीकरण नंबर 1 में हम। तो हमने किया गाइस यहाँ पर
एक्स माइनस दो गुणा दो बराबर जीरो, तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आएगा गाइस हमारे पास, चार, और वाई बराबर हमारे पास आ गया कितना, दो। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना होगा। गाइस जो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना। तो देखिए गाइस इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। तो गाइस यहाँ पर हमें लिखना होगा, हमने माना पहली संख्या ए और दूसरी संख्या को हमने मान लिया पी। तो गाइस प्रश्न अनुसार क्या होगा, ए माइनस बी, इन दोनों का जो अंतर है कितना, 26 है। तो गाइस यहाँ से हम बी की वैल्यूज निकालेंगे, तो हमने ए का इधर पक्षांतर कर दिया, तो 26 माइनस ए, तो गाइस हम बी बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस 26। तो गाइस और जो दूसरी कंडीशन दी गई है, यहाँ पर दिया गया है कि ए बराबर 3 बी, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 3 बी। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो ए है गाइस, ए का मान हमने रखा 3, और जो बी की वैल्यू हमने निकाली थी वो हमने रख दी ए माइनस 26। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ए बराबर इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3 है माइनस 26 में 3 का करेंगे तो ये जाएगा 78 हमारे पास। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइस, इसे इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 है बराबर माइनस 78 हमारे पास गाइस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 78/2, कितना आएगा गाइस, 2। तो जब हम इसे काटेंगे गाइस तो ये आ जाएगा 39। तो पहली संख्या ए है बराबर 39, दूसरी संख्या क्या है गाइस, हमने मानी थी बी, जो कि इससे 3 गुनी, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस 3 गुनी, तो हम इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं 39 को, तो कितना जाएगा गाइस हमारे पास, 9 3 9 9 28 27 के साथ, यहाँ पर कितना जाएगा गाइस, 7 बच्चे कितने, 2 3 9 9 के बाद 10 और 1 11, तो 117 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस आप इसे लिखना चाहें तो इसे लिख भी लेना, इसका जो आंसर है इस तरीके से होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ गाइस, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस हमारे पास, इसे आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर गाइस ये जो समीकरण है हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो गाइस इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख ले, शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर कर लिया है। तो गाइस आपको इसे समझना होगा, आप इससे देख सकते हैं गाइस ये जो समीकरण हमारे पास है और एक ये समीकरण है। तो गाइस जो पहला समीकरण है हमने इससे किससे गुणा कर लिया, 7 से, और यहाँ पर हमने इससे गुणा कर लिया 2 से। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पास हो जाएगा जो पहला गाइस हमने क्या किया है, समीकरण जो दूसरा था इसे 7 से गुणा किया, इसे 1 से किया। गाइस हमने क्या करा, जो उसके 1 से गुणांक इससे बराबर कर लिया है, तो जब इसे 1 से करा गाइस गुणा तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो ये पूरा ऐसा कैसा हो जाएगा। और दूसरे में गाइस हमने 7 से गुणा करा, तो यहाँ पर 7x+14y, 7 × 2 = 14 मतलब गाइस यहाँ पर, और यहाँ पर 7 × 3 = 21। जब गाइस हमने यहाँ पर घटाया तो ये तो कट गए आपस में, और यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे गाइस, -29y मतलब 15 × 14 = 29, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर गाइस कितना बचेगा, -19, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो गाइस जब हम 22 की वैल्यूज निकालेंगे तो ये आएगी 19/29। अब इसमें आगे क्या करना है गाइस आप इसे ध्यान से देखिए। तो गाइस आपको आगे क्या करना है, समीकरण में समीकरण 2 है गाइस, जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, ये वाले इसमें हमें भाई का मान रखना है। तो एक्स प्लस क्या होगा गाइस, हमने 2 लिखा, और जो भाई का मान था हमने कितना निकाला था, भाई का मान हमने यहाँ पर निकाला था 19/29, तो हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर इसके बराबर कितना है गाइस, 3। तो जब इसे हल करेंगे, 1 इसकी जगह पर रहेगा, और गाइस जब हम इसका अंतर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 38/39, और यहाँ पर 39। तो गाइस हमने जब इसका पक्षांतर का, तो ये जाकर इधर माइनस का हो गया। अब गाइस जब हम इसे हल कर लेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम आएगा हमारे पास कितना, 29। और जब हम इसे हल करेंगे गाइस, तो हम किस में से घटाएंगे इसे, 87, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 87 - 38, जब हम घटाएंगे गाइस तो 49/29 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन से गाइस आप इसे अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। यहाँ पर जो विलोपन विधि का दूसरा क्वेश्चन से इसी तरीके से आप इसे हल करके देख लेना, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बता देना। गाइस जो 10वां क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है, और इनके खर्चों का अनुपात कितना गाइस, यह है 4:3। प्रत्येक व्यक्ति के महीने प्रत्येक व्यक्ति महीने के 20,000 रुपये बचाता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो हम क्या मानते हैं गाइस, हम मानेंगे यहाँ पर, आप इसे ध्यान से समझिए, हम मानेंगे गाइस पहले व्यक्ति की जो आय है, माना
पहले व्यक्ति की आय कितनी है, हम मान लेंगे 1 रुपये, और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी मानेंगे गाइस, इसे मानेंगे हम वाय। अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो गाइस प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम क्या लिखेंगे गाइस, एक्स बटे वाई बराबर कितना होगा, 9/7, क्योंकि गाइस इसका अनुपात हमें दिया है, तो हम इसे दे सकते हैं समीकरण नंबर 1, या हम इसे आगे भी हल कर सकते हैं गाइस, तो इसका 3 गुणा करेंगे तो 7x/9y, तो x बराबर हमारे पास कितना जाएगा गाइस, यह जाएगा 9y/7, या हम इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे आप रहने दीजिए गाइस, ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो ये ले लिया हमने गाइस। अब हम क्या करेंगे गाइस, दूसरी कंडीशंस में उनके खर्चों का अनुपात देखेंगे हम कितना है गाइस, ये है 4:3। तो गाइस कितने बचा लेता महीने के 2000 रुपये, तो आपको इसे यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा गाइस, तो समय के अभाव के कारण हम इसे सीधा लिख रहे हैं। हम लिखेंगे गाइस यहाँ पर 1-2000, क्योंकि गाइस 2000 रुपये यहाँ पर महीने के बचा लेता, तो हमने इसे माइनस कर लिया, और हम यहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस, ये भी 2000 रुपये बचाता महीने के, तो जब इसका जो अनुपात बनता गाइस, ये बनता 4:3, तो हमने लिखा 4/3। अब तीजे गुणा कर लेते हैं, तो 3×1-2000, और यहाँ पर 4×y- कितना होगा गाइस, ये होगा 2000। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 3x-3×6000 रुपये बराबर 4×-4×8000 रुपये गाइस, पक्षांतर कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3-4y, और यहाँ पर यह चला जाएगा इधर की साइड, तो ये हो जाएगा 6000-8000, ठीक है गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो 3x-4y बराबर हो जाएगा माइनस के, कितना होगा गाइस, 2000। इसे दे समीकरण नंबर 2। अब गाइस मान रख लेते हैं हम यहाँ पर, तो मान रखेंगे गाइस, तो हम रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो क्या आ जाएगा गाइस, 3×x का मान हमने रखा 9y/7-4y = -2000। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो 9×9=9; 3×27y/7-4y = - के कितना होगा गाइस, 2000। हम इसे हल कर लेते हैं, तो इसका लघुत्तम हमने लिया 7, तो यह है 27-7×28 वाई, यहाँ पर भी है गाइस y=-2000। अब गाइस यहाँ पर कितना बचा, माइनस वाई, और यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो 7×-2000। तो जब हम इसका गुणा करेंगे गाइस, तो -y = 7×14, 1, 2, 3, 0, माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, प्लस, तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14000 रुपये गाइस। तो अब हमें इसका मान रखना होगा, तो गाइस आप इतना देख लीजिए, आई थिंक आपने इतना समझ लिया होगा। अब गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कार्य करेंगे, हमारे पास स्पेस कम होने के कारण, तो गाइस हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण है गाइस, इसमें हम मान रख लेते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में वाई का मान रखने पर, तो गाइस हमने x बराबर क्या रखा यहाँ पर, 9×y का मान हमारे पास कितना है गाइस, ये है 14000 रुपये/7, तो हमने 7×7=7×14, कितना बचा गाइस, 1, 2, 3, तो यह बचा हमारे पास 2000। तो गाइस जब इसको गुणा करेंगे तो जो एक्स की वैल्यूज आएगी कितनी आएगी, ये आएगी 9×18000 रुपये, और जो वाई की वैल्यूज आई थी हमारे पास, ये आई थी 14000 रुपये। तो ये दोनों की, एक्स और वाई की, दोनों व्यक्ति की क्या हो जाएगी गाइस, मासिक आय। अगला क्वेश्चन से गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम गाइस, जो 11वां क्वेश्चन है आप इसे एक बार ध्यान से देखिए। तो ये रहा गाइस 11वां क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसे समझना होगा। तो गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गाइस हमें, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इस समीकरण को गाइस हमें देखना है का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल होने की कंडीशन में हमें इसे क्या करना है गाइस, बीजगणित विधि से हल करना है। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो समीकरण हमें दिया है 2x+y, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर हम इसे दबाते, जो समीकरण इसे लिख लेते हैं। तो गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमें समीकरण दिया हुआ है, 2x+y-5=0, और 3x प्लस
2y-8 = 0। अब क्या करना है गाइस, हमें इसे हल करना है। तो गाइस सबसे पहले जो कंडीशंस होती है उसे हम समझते हैं। तो गाइस अगर हमारे पास a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 / b2, तो उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, अद्वितीय हल होता है हमारे पास। क्या होता है गाइस, अद्वितीय हल। दूसरा होता है हमारे पास a1 / a2 इक्वल्स टू b1 / b2 इज नॉट इक्वल टू होता है c1 / c2। तो क्या होता है गाइस, यहाँ पर गाइस हमारे पास जो होता है गाइस अनेक हल होते हैं, यहाँ पर होते गाइस अपरिमित हल होते हैं इस कंडीशंस में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिमित। और इस कंडीशन में गाइस a1 / a2 इक्वल्स टू b1 / b2 बराबर c1 / c2। तो इस कंडीशन में गाइस हमारे पास होते हैं अनेक हल। अब गाइस हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं a1 / a2। तो हम निकालते हैं गाइस a1 / a2 हम निकाल के देखते हैं। तो a1 हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पर a1 हमारे पास आएगा 2, a1 / a2 कितना आएगा गाइस 3। हम निकालते हैं b1 / b2, तो ये आएगा गाइस हमारे पास 1/2, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो गाइस ये जो कंडीशन है हमारी a1 / a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 / b2, ये सेटिस्फाई हो रहे गाइस। तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा और हमें यही अद्वितीय हल निकालना है। तो गाइस इसके लिए हम जो सूत्र होता है उसे लिख देते हैं बजरंगन विधि का। ये होता है गाइस x बटा होता है गाइस हमारे पास b1 c2। तो हमने लिखा b1 c2 माइनस होता है गाइस b2 c1, तो यहाँ पर हमने लिखा b2 c1। इसी तरीके से गाइस हम लिखेंगे y बटा में क्या लिखेंगे, a2 c1 माइनस a1 c2। इसी तरह गाइस हम लिखेंगे 1/2 में क्या लिखेंगे, a2 b1 - a1 b2। इस तरीके से हम लिखेंगे गाइस। तो x/2 जब हम इसे हल करेंगे गाइस तो यह जाएगा हमारे पास -8। आप देख लीजिए गाइस जो v1 हमारे पास कितना है, v1 है गाइस हमारे पास है 1, और जो c2 है हमारे पास -8। तो इसका हम गुणा करेंगे गाइस तो हमारे पास हो जाएगा -8, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि गाइस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यह जाएगा हमारे पास 10। इसी तरीके से जब हम वाई निकालेंगे तो वाई जाएगा माइनस हमारे पास -15 - 16। इसके बाद गाइस हम जब जेड ये निकालेंगे तो यह आएगा हमारे पास 4, और यह आ जाएगा -3। तो आप इतना समझ सकते हो गाइस, समय के अभाव के कारण हमने इसे यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को छोड़ दिया है। तो आप इसे एक बार करके ज़रूर देख लेना गाइस। अब हम इसे हल करते हैं। तो हमारे पास आएगा 1/2 कितना आएगा गाइस 2, बराबर y/2 हमारे पास कितना आएगा गाइस 1, बराबर 1/2 हमारे पास क्या जाएगा गाइस यहाँ पर 1। तो गाइस x/2 हमारे पास कितना जाएगा 2, और y/2 हमारे पास कितना जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस, अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन से गाइस हमारे पास k के किस मान के लिए, तो गाइस इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो एक बार गाइस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो गाइस हमने जो समीकरण इसे लिख लिया, दूसरा लिख लिया। अब गाइस जो समीकरण होता है हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो गाइस यहाँ से हमने a1 / a2 बराबर b1 / b2 = c1 / c2 गाइस अपरिमित रूप की जो कंडीशन होती है हमने यहाँ पर उसे लिख दी है। अब गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 का मान हमने रखा कितना आएगा गाइस, a1 का मान आएगा हमारे पास k, और a2 का मान हमारे पास आएगा 12, तो हमने लिखा k/12। दूसरा हमने लिखा 3/k। तीसरा हमने क्या लिखा गाइस, ये लिखा हमने -k - 3 और अपन -k लिखा। तो गाइस माइनस से माइनस कट जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब गाइस यहाँ से हमें इसे हल करना होगा। तो गाइस हम क्या करते हैं, इधर इसका गुणा कर लेते हैं, के का यहाँ पर गुणा करा गाइस, तो हमने लिखा k² बराबर हमारे पास कितना आएगा 12 * 36। तो गाइस जब हम k का मान निकालेंगे तो यह आएगा ± 6। इसी तरीके से गाइस हम k का दूसरा जो मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने ये k से k को कैंसिल कर दिया, तो 3 बराबर कितना आएगा गाइस हमारे पास k - 3, या k - 3 बराबर हमारे पास कितना आएगा गाइस 3। तो जब हम k का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 6। तो गाइस k के हमारे पास 2 मान है, बट यहाँ पर जो दोनों जगह काम लगे वही आंसर होगा। तो गाइस k = कितना आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस समीकरण युग्म, इसे हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके देख लेना, काफ़ी सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, इसे आप ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन को गाइस हम हल करते हैं।
तो गाइस सबसे पहले जो समीकरण दिएगा हम इन समीकरण को लिख लेते हैं। तो हमने लिखा गाइस यहाँ पर हम लिखते हैं गाइस 2x+3y बराबर हमारे पास कितना है 11। और यहाँ पर है गाइस हमारे पास 2x-4y बराबर माइनस के 24 हमने इसे लिख लिया है। अब इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो हम क्या करते हैं गाइस, जो समीकरण हमें दिया हुआ है आई मीन्स गाइस यहाँ पर जो समीकरण हमें दूसरा दिया गया है इसे हम ध्यान से देखें। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे 2 से भाग दे लेते हैं। तो ये बन जाएगा गाइस हमारे पास जो नया समीकरण बनेगा x-2y बराबर हमारे पास बचेगा माइनस के 12। ये होगा गाइस हमारे पास। तो गाइस यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो हम इसे दे देते हैं समीकरण नंबर, इसे 2 मान लेते हैं गाइस, इसे हम मान लेते हैं 1। तो हम लिख देंगे गाइस समीकरण नंबर 2 से एक्स का मान निकालने पर, तो एक्स बराबर कितना होगा गाइस हमारे पास होगा -12+2y। ये हो जाएगा गाइस, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2y-12, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं गाइस। तो हम क्या करते गाइस, ये जो मान है इसे हम रख देते समीकरण नंबर 1 में। तो हमने क्या किया गाइस, वही किया हमने, यहाँ लिखा 2×2y और यहाँ पर गाइस हमने क्या लिखा -12+3y बराबर 11। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा 4y-12×24+3y बराबर 11। तो गाइस यहाँ पर जब हम भाई भाई को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 और 3 7y-24 बराबर 11। अब गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो हमने वही किया गाइस, यहाँ पर हमने लिखा 7y-11+24। ठीक है गाइस, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये आ जाएगा 35। तो जब हम वाई का मान निकालेंगे तो 7 × 35 कितना जाएगा गाइस, वाई का मान हमारे पास आ जाएगा 5। अब इस वाई के मान को गाइस हम जो समीकरण है इसमें रख सकते हैं। तो हम रख देते गाइस इस समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम वाई का मान रखेंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा 2x+, यहाँ पर हमने वाई की जगह पर रखा 5, तो 5 × 3 15 बराबर क्या होगा गाइस 11। तो 2x बराबर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -4, और जब हम x की वैल्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगी -2। तो हमारे पास गाइस जो x है, x का मान हमारे पास कितना आया गाइस, x का मान आया हमारे पास -2, और y का मान हमारे पास कितना आया, ये आया गाइस हमारे पास 5। अब गाइस दत्त समीकरण का अभीष्ट हल क्या होगा, ये हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है इसका एक्स बराबर -2 और वाई बराबर 5। तो गाइस जो रेखा की जो प्रवणता हमें दी गई है, जो हमें दिया हुआ है वाई बराबर हमें दिया गाइस mx+3। तो हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर वाई का मान रखते हैं 5 बराबर m, और यहाँ पर एक्स के प्लस पे कितना रखेंगे गाइस, हम रखेंगे -2+3। तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर -2m। तो गाइस हमारे पास 2 बराबर -2m, तो m बराबर हमारे पास कितना आएगा गाइस, ये आएगा -1। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस, आप अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन हो गया गाइस, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे ध्यान से देखिए। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हमने माना जो पहला कोण है गाइस, हमने माना पहला कोण 1 डिग्री का है। तो दूसरा कोण क्या होगा गाइस, दूसरा कोण होगा हमारे पास, ये हो जाएगा गाइस 18 अधिक है, तो 1 डिग्री धन 18, ये हमारा दूसरा कोण हो जाएगा गाइस। अब हमको ये जो दोनों कोण है गाइस इसे हम ज्ञात करेंगे। तो गाइस हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो गाइस हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 से धन 18 बराबर हमारे पास कितना होगा गाइस, ये होगा 180 अंश। तो यहाँ पर हमारे पास 2x बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 180-18। तो जब हम 2x बराबर इसे घटा लेंगे तो ये बचेगा गाइस हमारे पास 2, यहाँ पर 7 में से 1 गई कितना, यहाँ पर हो जाएगा गाइस यहाँ पर 7, और 7 में से 1 गई हमारे पास कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 1। तो जब हम 1 से निकालेंगे गाइस तो ये हो जाएगा 8 81। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो पहला कोण था, पहला कोण का कितना आ गया गाइस, ये आ गया हमारे पास 81 डिग्री, यहाँ पर कितना आ गया 81। और दूसरा कोण इससे 18 अधिक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 81 धन 18। तो हम इसे जोड़ लेते हैं गाइस, तो 8 और 1 9, यहाँ पर और यहाँ पर भी 9, तो दूसरा हो जाएगा गाइस 99।
अब गाइस जो अगला क्वेश्चन है इसे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए, और जो आगे के क्वेश्चन है गाइस कंप्लीट सॉल्यूशंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको एक बार ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक क्रिकेट टीम के 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने गाइस 3,800 रुपये में खरीदी, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का जो मूल्य का इस हमें ज्ञात करना है। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपये। हमने माना गाइस एक बल्ले का मूल्य 100 है, और गाइस गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, गेंद का मूल्य मान लिया हमने 1 है। आपको पूरा लिखना गाइस, यहाँ पर हम समय के अभाव के कारण नहीं लिख रहे हैं। तो गाइस क्या होगा, प्रश्न अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा गाइस, यहाँ पर 7x धन 6y, पहली कंडीशन हमारे पास कितना बचेगा गाइस 3,800, और दूसरी कंडीशन से गाइस हमारे पास 3 बल्ले हैं और कितनी है गाइस 5 गेंदे हैं, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 1,700, मतलब यहाँ पर गाइस 1,750 हो जाएगा। तो गाइस इन समीकरण को हमें हल कर लेना है। हम मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं 2। तो हम क्या करते हैं गाइस समीकरण नंबर 2 से, जो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास ये वाला, इससे हम क्या करते हैं देखिए गाइस ध्यान से। यहाँ पर तो यहाँ पर गाइस हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स का जब हम मान निकालेंगे गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा 1,750 है गाइस, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 है, क्योंकि प्लस का हम लोग पक्षांतर कर रहे, तो माइनस हो जाएगा, इसके बटे में कितना जाएगा 3। तो गाइस ये जो मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 में उठाकर रख देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण नंबर 1 में हम लिख देंगे गाइस एक्स का मान रखने पर। तो देखिए गाइस समीकरण नंबर 1 हमारे पास 7, और यहाँ पर जो मान है हमारे पास 1,750 माइनस 5 y बटा कितना है गाइस हमारे पास 3, और यहाँ पर हमारे पास कितना है प्लस 6 y बराबर कितना गाइस हमारे पास 3,800। अब गाइस हम इसे हल कर लेंगे। तो गाइस जो हम 7 है 7 का गुणा इसमें करेंगे मतलब 1,750 में, तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 12,250 माइनस 5 7 कितना होगा गाइस 35। धन कितना है हमारे पास यहाँ पर गाइस, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 6 3 18 यहाँ पर हो जाएगा गाइस 18 y, और इसका जब हम इधर गुणा करेंगे 3 का तो यहाँ पर हो जाएगा गाइस इस तरीके से 11,400, क्योंकि गाइस यहाँ पर हम 3 से 3 का गुणा हमने पूरे समीकरण में कर दिया गाइस। तो हमारे पास इस तरीके से जो आंसर गाइस हमारे पास इस तरीके से जो इक्वेशन है गाइस इस तरीके से हो जाएगी। अब आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर y और है, तो आप यहाँ पर लिख लेना। अब गाइस 35 में से 18 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 17 y, तो ये माइनस के 17 y हो जाएंगे बराबर, जब हम इसका पक्षांतर कर लेंगे गाइस तो 11,400 माइनस 12,250 हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस 17 y बराबर, जब हम इसे घटाएंगे गाइस तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास 850, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे गाइस, तो y बराबर हमारा कितना आएगा 8,050/17। तो गाइस जब हम इसे काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा 50 बार, तो हमारे पास y कितना जाएगा गाइस, y हमारे पास आ गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं y हमारे पास आ गया 50 रुपये। अब हम गाइस x का मान निकालेंगे, तो हम किसी भी समीकरण में x का मान रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम रख लेते हैं x का मान कहीं भी रख सकते हैं गाइस। तो जब आप x की वैल्यूज़ निकालोगे तो जो x की वैल्यूज़ है गाइस हमारे पास आएगी 500 रुपये, और यही हमें बताना था गाइस। तो यहाँ पर प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य कितना गाइस, तो यह है 500 रुपये और 50 रुपये। तो आपको इस तरीके से लिखना है गाइस। अगला जो क्वेश्चन है हम इसे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने इसे डीपली नहीं समझा, बट आपके नॉलेज के हिसाब से हमने इसे आपको बता दिया आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है। ये जो क्वेश्चन है गाइस, अब यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो गाइस हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। तो हम जो लास्ट का क्वेश्चन है गाइस अब इसे देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक संतरे और एक सेब का मूल्य क्रमशः x, यहाँ पर गाइस हम मानेंगे x और y रुपये है, x रुपये और y रुपये हम मान लेंगे। ठीक है गाइस आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनेगा, पहला समीकरण 5 संतरे मतलब 5x धन 3 सेब मतलब 3 y बराबर हमारे पास बना 35,
और दूसरा जो समीकरण बनेगा गाइस हमारे पास ये बनेगा, दो संतरे मतलब 2x+4 से मतलब 4y बराबर कितना बचनेगा हमारे पास 28। तो गाइस हमें क्या करना है, समीकरण नंबर एक में जो समीकरण नंबर हम इसे मान लेते हैं एक, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर दो, तो इसमें हम 4 से गुणा कर लेते हैं गाइस, और इसे कर लेते हैं 3 से गुणा। तो गाइस अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20x धन 4 3 12y बराबर, जब हम इसे करेंगे गाइस तो ये आ जाएगा गाइस हमारे पास 140, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस हमारे पास 6x 3 × 6+ यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 12y बराबर ये जाएगा 84। अब हम इसे घटा लेंगे गाइस, तो यहाँ पर हम माइनस माइनस कर लेंगे, तो गाइस ये कट जाएंगे आपस में, ये हमारे पास कितना बचेगा जब हम इसे घटा लेंगे तो ये बचेगा गाइस हमारे पास 14x बराबर, हमारे पास कितना बचेगा गाइस जब हम इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 56। तो x बराबर हमारे पास आएगा 56/14 मतलब 14 × 56 हमारे पास x बराबर आएगा 4। अब गाइस हम किसी भी समीकरण में इसका मान रख लेते हैं, समीकरण एक में रख लेते हैं मान, तो 5×4+3y बराबर कितना है गाइस 35। तो यहाँ पर 4 5 20+3y बराबर कितना होगा 35। तो गाइस 3y बराबर क्या हो जाएगा जब हम इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 15। तो भाई बराबर कितना का गाइस 5। तो हम बता सकते हैं गाइस कि जो संतरे हैं इसका मूल्य था, संतरे का मूल्य 4 रुपये और सेब का मूल्य था 5 रुपये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।